हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या हाल चाल है सबका? आई होप दैट एवरीवन इज फाइन एंड मस्ट बी प्रिपेयरिंग गुड एट द होम्स फॉर प्रीलिम्स 2020। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी एंड जो क्लासेस अभी मैं ले रहा हूँ वो क्लासेस आपको यूजफुल भी हो रही होंगी एग्जाम के लिए। अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो आज हम क्लास लेंगे दैट इज़ बेसिकली ज्योग्राफी मैपिंग। जो जो साइट्स अलग अलग स्टेट्स में, द साइट्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन डिफरेंट स्टेट्स, वो साइट्स हम करेंगे। मैपिंग में पूछा जा सकता है, दो द साइट्स कैन बी आस्क्ड। सेकंड थिंग इज़ नॉट ओनली मैपिंग में बट आपको हिस्ट्री में या किसी और आस्पेक्ट से वो सेम क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन UPSC ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच अश्विकाल, वेरी गुड इवनिंग। दिस इज़ द सेकेंड क्लास। कल एक और क्लास होगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। बढ़िया, बिल्कुल मस्त। हम जो अलग अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम वो सीरीज स्टार्ट कर लेंगे और उसके विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल कि 15 सितंबर तक आपको 20 सितंबर तक काफ़ी हद तक काम करवा दिया जाए। उसके बाद आप रिवाइज करो एंड सफिशेंट टाइम इज़ देयर फॉर दैट। आपका फोकस क्या होना चाहिए? द फोकस ऑफ योर प्रेपरेशन शुड बेसिकली बी इन द कंटेक्स्ट कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो रिवाइज करो अच्छे तरीके से। सेकंड थिंग जो आपने पढ़ा हुआ रिवाइज के साथ साथ डेली क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस डिफरेंट क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से नॉर्मली कई बार होता है कि अच्छा पढ़ने के बावजूद भी आपका स्कोर 100 के आसपास रह रहा होता है टेस्ट सीरीज में। नो नीड टू वरी ऑन दैट एस्पेक्ट। एक सिंपल सा है, क्वेश्चन पेपर के लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसा है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर क्वेश्चन पेपर अच्छी क्वालिटी का है, यूपीएससी क्वेश्चन का क्वालिटी का है, तो हो सकता है आपका नंबर 120-125 भी आ सकते हैं उसी में। ऑन दी अदर हैंड, अगर क्वेश्चन यूजलेस काफ़ी क्वेश्चन है, जैसे मैं बता ही रहा हूँ कि हर टेस्ट सीरीज में 20-25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी नहीं होते। अगर वैसे क्वेश्चन में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, डू नॉट नीड टू वरी एट ऑल यार। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन काम का होगा अगर आपने यूपीएससी डोमेन में तैयारी करी, आपके डेफिनेटली मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नहीं काम का है तो आप डाइवर्सिफाई या मिसडायरेक्ट मत हो जाओ कि आप कुछ और पढ़ने लग जाओ। दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस इज़ द लास्ट टाइम जब आप एक दो बार पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट लूज द टारगेट। आप टारगेट नहीं लूज करना है। अगर अभी इस पॉइंट ऑफ पे आपको कहीं ना कहीं एक डर लगने लग गया, यार मेरा होगा कि मेरा नहीं होगा। प्रीलिम्स फ्रेंड्स, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, प्रीलिम्स इज बेसिकली अ मेंटल गेम। इफ़ यू आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रीलिम्स विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है लास्ट 2-3 दिन में वो पढ़ते नहीं हैं, फिर सीधा डायरेक्टली प्रीलिम्स के एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फ्रेंड्स। डू नॉट ट्राई टू कमिट दिस ब्लंडर विद योर लाइफ। हमने पढ़ना है, लास्ट 2 दिन मेरे से नहीं पढ़ा जाता, या मेरा मूड नहीं है, या कुछ और मैंने पढ़ लिया है, दिल नहीं करता। यार यहाँ पे दिल की तो बात ही नहीं है भी, आपको दिल नहीं करता, आपकी यहाँ पे लाइफ इंगेजमेंट है और आप बोल रहे हो मेरे से पढ़ने का मूड नहीं बन रहा, यार 2 दिन रह गए, नाउ आई एम अंडर प्रेशर। यही तो सोचने की बात ही नहीं है। यू हैव देयर टू स्टडी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी स्टडिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वेरी गुड इवनिंग। तो दूसरा तो आस्पेक्ट आपके माइंड में होना ही नहीं चाहिए। द ओनली आस्पेक्ट शुड बी कि मैंने जितना मैक्सिमम टाइम मेरे को मिल रहा है, आई शुड बी फोकसिंग दैट मच टाइम बेसिकली ऑन द रिविजन आस्पेक्ट, ट्राइंग टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल एंड ट्राई टू कम आउट विद पॉजिटिव रिजल्ट दैट इज देयर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फोकस्ड फ्रेंड्स। बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट टाइम में आके सब पूरा साल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, बस लास्ट टाइम में आके वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है जिसकी वजह से पूरे साल की मेहनत आपकी ख़राब हो जाती है। डू नॉट कमिट दैट मिस्टेक। दैट्स माई एडवाइस दैट टू ऑल द स्टूडेंट्स। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू शुड बी गिविंग योर 100%। 100% देना आपने यार। इवन इफ यू आर एबल टू गिव मोर देन 100%, दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल, इवन वेलकम। Because you have been waiting for this exam for a long point of time. अब कोरोना वरोना के चक्कर में और थोड़ा सा लेट हो गया तो और ज़्यादा। जितनी शिद्दत से आप इस एग्ज़ाम के लिए ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट उसी शिद्दत से आपका वो एग्ज़ाम भी क्लियर। एंड फ्रेंड दोज थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।
एंड इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट जो भी स्टूडेंट्स और आपके नोन वंस हैं, यू कैन रेफर मलुका यस टू देम. द न्यू बैच 4 इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम 7th ऑफ सेप्टेम्बर. मंडे से नया बैच शुरू हो रहा है. स्टूडेंट्स को एन ज्वाइन ऑनलाइन बैचेस. और बाद में अक्टूबर से, जैसे सुनने में आया है कि अक्टूबर से जैसे लॉकडाउन एंड कोचिंग क्लासेस विल बी अलाउड कैसे ना कैसे तरीके से, तो इन दैट कंटेक्स्ट दैट कैन ऑल्सो बी डन कि बाद में वो ऑफलाइन में शिफ्ट हो सकती है. हाँ डेफिनेटली प्रसन्न, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन. द नंबर नीचे दिया हुआ. एनी स्टूडेंट वॉन्ट टू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी थिंग रिगार्डिंग यू पी एस सी प्रिपरेशन या कोई भी तैयारी है, तो नंबर हैज़ बिन गिवन. आप इस नीचे जो नंबर दिया हुआ 9910133084 इस पर आप कॉल कर सकते हैं. अभी जो आपको टॉपिक करवाया जाएगा वुड बी बेसिकली ज्योग्राफी मैपिंग, ज्योग्राफिकल डिफरेंट लोकेशन विच आर इम्पॉर्टेंट दैट केम इन द न्यूज़ पेपर एंड आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम यू पी एस सी परस्पेक्टिव. नहीं ज्योति, इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि उसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है पीछे वाले चैप्टर में. देर इज नो अदर वे आउट अदर देन द रिविजन आस्पेक्ट. आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, उसको रट्टा ही मारना पड़ेगा. जब 4-5 बार आप चीज़ पढ़ के चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से आप देख को देख के याद आ जाएगा, अगर आप वैसे भी भूल जाएंगे तो. अब प्रसन्न, द नंबर मैंने जो नीचे दिया हुआ है 9910133084, यू कैन कॉल एट दिस नंबर आफ्टर द क्लास एंड देयरफॉर वी विल गाइड यू वेयर यू कैन ज्वाइन. और आपको कुछ भी अगर इफ देयर इज एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन डेफिनेटली आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस. सो टुडे नाउ वी वुड बी बेसिकली फोकसिंग अपॉन स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन. नहीं कोई इम्पॉर्टेंट नहीं, सभी इम्पॉर्टेंट है. जो भी आपको नोट्स दिए हैं आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है. इट्स नॉट रिगार्डिंग दैट कि आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा. जितना भी आपको नोट्स दिए गए हैं पूरा ही होगा. चलो तो फ्रेंड्स अभी फोकस किस पे होना चाहिए. जी थैंक यू, सत श्री अकाल. तो अभी हम फोकस कर रहे हैं बेसिकली इन द रिगार्ड कि ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट मैपिंग है. फर्स्टली Do refer these classes to your friends also. Thank you. Firstly, second thing, not only this but other जो सुबह करंट अफेयर की क्लासेस ले रहे हैं, जुलाई 2019 का करंट अफेयर है, कल अगस्त 2019 का करंट अफेयर हम कवर करेंगे, तो उसी हिसाब से कि बार बार आपको करना पड़ेगा कि वी वुड डेफिनेटली बी कवरिंग दीज थिंग्स. अगस्त सेप्टेम्बर एंड ऑल द करंट अफेयर्स वुड बी कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली. और उन्हीं करंट अफेयर्स को आप रिवाइज करोगे, यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व द क्वेश्चन इन दैट रिगार्ड. हाँ वो करना तो सभी पड़ेगा. चलो चलो स्टार्ट करते हैं. इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन विच आर देयर इन इंडिया जो न्यूज़ पेपर में आई थी and which are important from UPSC CSE perspective 2020 prelims. इसके context में हमने एक question भी किया था. तमिलनाडु में है. It's a new space port of ISRO. तुतकुड़ी है in तमिलनाडु. For now India has already जो हमारे पास है सौम्य सिंह जो भी है, आप जो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहे हैं आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ यूज़ कर सकते हैं, आप अपने जो रिलेटिव्स है उसके साथ यूज़ कर सकते हैं. और वो बहुत जगह है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को. और लेकिन यहाँ पे दूसरे लोग हैं जो पढ़ने के लिए आए हैं, तो कृपया करके ऐसी लैंग्वेज ना यूज़ करें. जो भी आपको लैंग्वेज यूज़ करनी है आप घर पे कर सकते हैं. योर पेरेंट्स विल बी डेफिनेटली वेलकमिंग, योर रिलेटिव्स विल बी वेलकमिंग, योर फ्रेंड्स विल बी वेलकमिंग. आप उनके साथ ऐसी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और होप अगर वो भी आपके घर वाले भी आपको इस लैंग्वेज से बात करेंगे तो आपको भी आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है. और सेकेंडली अगर कुछ और भी कोई डाउट है तो आई एम देयर इन बठिंडा, आई एम देयर इन पटियाला, आई एम देयर इन दिल्ली. जब दिल करे बेटा खुले आके मिल लेना, 1-to-1 भी मिल लेना, ठीक है. ठीक है तो 1-to-1 आके मिल लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. चाहे कितना भी दबदबा रखते हो, 1-to-1 सिंगल पे आके मिलना तो देख लेंगे किसमें कितना दम है. और ये डिस्टर्बेंस फालतू की मेरे पास यहाँ पे आके मत किया करो. आई एम नॉट बाउंड बाई यू, ठीक है ना. ठेका नहीं ले रखा है मैंने तेरा, और तू कहीं पे भी आके मिल ले जो भी तू है, ठीक है. डू नॉट वरी एट ऑल. तेरे जैसे 50 दिन में बिकते हैं,
ठीक है, नो नीड टू वरी एट ऑल. इट इज इंपॉर्टेंट दैट जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आप उनको पढ़ने दो, ठीक है. कहाँ पे अगर कहाँ पे पास लगता है ना, दिल्ली, बठिंडा, पटियाला, चंडीगढ़, जहाँ पे तेरे को पास लगता है वहाँ पे आ जा. जो तेरे मन में जो भ्रम है वो पूरा निकल जाएगा. चलो ठीक है, तो वो ऐसे जो दबने बड़े वाले नहीं है हम, ठीक है. जो बोलोगे भी, जो बोलोगे और चलता रहेगा. चलो जहाँ जाना पढ़ना पढ़ ले, धक्के खाने धक्के खा ले. दिस नथिंग रिलेटेड टू मुलुक का आईएस. वी विल नेवर टॉलरेट दीज एक्टिविटीज ऑन अवर साइड, ठीक है. दे आर डिफरेंट. नहीं, ऐसे इट इज इम्पॉर्टेंट ऐसे लोगों को उन्हीं की लैंग्वेज में समझाना जरूरी है, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दो दीज पीपल शुड बी अंडरस्टैंडिंग. हाँ, अपने घर पे वो बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. अपनी सिस्टर को बोल सकते हैं, अपने मदर को बोल सकते हैं, जिसको बोलना चाहे वो बोल सकते हैं. चलो, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, तुथुकुडी है, तमिलनाडु में है. अ न्यू स्पेस पोर्ट किसका है? इसरो का. एक बार कंटिन्यू करते हैं. जो भी आपको डाउट है, वो जो मैंने राइट साइड पे टॉप पे नंबर दिया हुआ, आप इस पे कॉल कर सकते हैं. जो भी जयपुर सेंटर के बारे में हम बता देंगे. अभी एक बार इसको पढ़ाई करते हैं, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है. जो भी इंक्वायरीज है, कुछ और है एडमिशन के रिगार्डिंग, किसी और के रिगार्डिंग, उस गिवन नंबर पे क्लास के बाद कॉल कर लीजिए, आई विल टैकल देम. ऑलरेडी हमारे पास कौन से हैं? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन है, दैट इज लोकेटेड इन त्रिवंथापुरम, कहाँ पे? केरला. दूसरा है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पे है? सदर्न कोस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में है. डिस्पाइट दीज थिंग्स, देयर वाज स्टिल अ नीड टू फॉर अ न्यू स्पेस क्राफ्ट. सेटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम श्री एसडीसीसी रिक्वायर्स दैट वी नीड टू मैनेवर इट. इसको मैनेवर करने की जरूरत होती है. एंड हेंस अगर हम जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल वी आर मैनोवरिंग, जब घूमते हैं, वी नीडेड अ मोर फ्यूल. किस चीज़ के लिए ज़्यादा फ्यूल की जरूरत है? ताकि जो श्रीलंका की जो मेजर सिटीज़ है उसको हम उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना हो सके. दैट वुड नॉट बी फिजिकल फिजिबल. और जब हम कोई स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ करते हैं तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हो पाता जब मोर एंड मोर नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ द फ्यूल इज़ यूज. इसी के कंटेक्सट में तुथिकुडी इज़ बेसिकली चूजन इन दैट रिगार्ड. ये भी एक ऐसी जगह है It is near to the equator. SSLB will be comparatively a lift, will lift over over the Lakshadweep Sea that would be there. और इस वजह से वहाँ पर आपको मैनेवर घूमने फिरने की जरूरत नहीं है. एंड देयर फॉर इट वुड बी सराउंडिंग, नो नीड टू सराउंड श्रीलंका, एंड दैट विल बी क्लाइंबिंग टू द हायर ऑल्टीट्यूड. इसी वजह से आपको मैनेवर करने की जरूरत नहीं घूमने फिरने की, तो इट वुड बी रिक्वायरिंग द लेस फ्यूल. एंड हेंस आप अलग अलग डिफरेंट सेंसर्स को प्लेस कर सकते हैं, आपके पास स्पेस कंपेरेटिवली बढ़ जाएगी. इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू द लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर जो हमारे हैं महेंद्रगिरी में और वलेवला में. श्रीहरिकोटा इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. बाई लॉन्चिंग अ रॉकेट दैट इज हेडिंग टूवर्ड द ईस्ट, जिस तरीके से अर्थ का रोटेशन होता है उसी कंटेक्स्ट में, एडवांटेज ऑफ द अर्थ रोटेशन लिया जाएगा, दैट इज रोटेटिंग फॉर द वेस्ट टू ईस्ट, एंड देयरफॉर इट कैन बी टेकन टू एक्सेलरेट द रॉकेट, एंड देयर कंपैरेटिवली अ लेस अमाउंट ऑफ द फ्यूल वुड बी रिक्वायर्ड इन दैट रिगार्ड. इट इज बेसिकली श्रीहरिकोटा इज ऑन द ईस्ट कोस्ट, रिजल्टिंग इन टू द रॉकेट ट्रेजेक्टरी ओवर द सी रादर देन द लैंड. और अगर गिरता भी है तो समुद्र में गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अभी क्लास पे ध्यान देते हैं. इट इज बीइंग क्लोजर टू द इक्वेटर, देयरफॉर वहां पे कोरिओलिस फोर्स भी नहीं होगी, देयरफॉर रिजल्ट इन सेविंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फ्यूल, एज अर्थ लीनियर वेलोसिटी जो स्पीड होती है दैट गेट्स एडेड टू द रॉकेट्स वेलोसिटी. इट इज लार्ज इनहैबिटेड एरिया विच देयरफॉर प्रोवाइडिंग अ कंपैरेटिवली सेफ जोन ऑल्सो. हाँ, प्रतीक 21 के लिए भी करवाएंगे ना. अ स्टेबल ज्योग्राफिकल प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो इन दैट केस. श्रीहरिकोटा वे हाँ, पीडीएफ भी देंगे बिल्कुल आपको. यूट्यूब वहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा. और कौन कौन सी प्लेस फॉर एग्जांपल न्यूज़ में है? अनदर प्लेस दैट इज देयर इन द न्यूज़ इज बेसिकली इन महाराष्ट्र रीजन. महाराष्ट्र इज इन न्यूज़ बेसिकली इन द रिगार्ड दैट
Recently, a trigger traveled approximately 1300 kilometers distance between Maharashtra and Telangana, passing through a Nyan Ganga Wildlife Sanctuary and the Peshwar Tiger Reserve in Maharashtra. आपको पता होना चाहिए ये Wildlife Sanctuary और Tiger Reserve कहाँ पे है. When you talk about Nyan Ganga Wildlife Sanctuary, it is basically a part of the Melghat Tiger Reserve in Maharashtra, very very important and located near the Nyan Ganga River. ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? It is basically a tributary of River Tapti. Very very important, news में है, पूछा जा सकता है इसके बारे में कहाँ पे है. The Peshwar Tiger Reserve कहाँ पे है? The rivers such as Purna, Krishna, Bheem, Tapti, it flows through this sanctuary. आपको पूछा जा सकता है इस सेंचुरी के रिजर्वायर के रिजर्व के कंटेक्स में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है. There is a good amount of the water because of which it is also known as the Green Oasis of Maharashtra. भी इसको बोला जाता है. हाँ, कोशिश करेंगे शादाब खान जितना हुआ उसको कन्वर्ट करने की. ज्ञान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेट ओवर हियर. तेपेश्वरा इज लोकेट ओवर हियर. यहाँ पे बोर टाइगर रिजर्व. गोवा में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो न्यूज़ में थी. बेसिकली गोवा न्यूज़ है मंडोवी रिवर एंड वहाँ पे इलीगल माइनिंग एक्सेट्रा के कंटेक्स्ट में. तो वहाँ पे ये कुछ सेंचुरीज भी थी अलग अलग, न्यूज़ में आई थी कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ना हो जाए. फॉर एग्जांपल भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेन नेशनल पार्क, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगो, महादई, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो ये अलग अलग सेंचुरीज अलग अलग टाइम पे न्यूज़पेपर में आई थी, उसका सिनॉप्सिस आपको कंपाइलेशन दे रहे हैं. इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू लर्न इट. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सलीम अली आ गई, बोंडला आ गई, भगवान महावीर है, नेत्रावली है, कोटिगो, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उड़ीसा में जो न्यूज साइट्स में थी नलावना वर्ल्ड सेंचुरी दैट वॉज देयर इन द न्यूज, लोकेटेड ऑन नलावना आइलैंड that is near the Chilka Lagoon area in Odisha. After 5 years, जैसे हमने ये क्वेश्चन कल भी किया था ग्रेट नॉट किसके कंटेक्स्ट में, इट इज अ बेसिकली इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड जो यहाँ पे देखने को मिलता था. इट इज लिस्टेड एज एन इंडेंजर्ड अंडर द IUCN कैटेगरी. नॉट ओनली दिस बट अ न्यू स्पाइडर स्पीशीज बाय द नेम एडोपियस नीलगिरी इज ऑल्सो डिस्कवर्ड इन कुलदिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपको कल भी बताया गया था उसके कंटेक्स्ट में. दे आर डिफरेंट रामसार साइट्स हैं, आपको इसका हैंड आउट दे दिया जाएगा. आपको रामसार साइट्स पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट्स में है. चिल्का लेक इज गिवन ओवर हेयर, नलावना आइल इज देयर, सतपड़ा इज ओवर हेयर. सक्षम वैली वॉज इन न्यूज वेयर. यहाँ पे गिलगित बलूचिस्तान है, यहाँ पे एक्साइज चीन उस टाइम पे कंटेक्ट. Along with the Indo-China border, it is there. It is the Indian territory that was gifted to China. Pakistan ne di di thi. Trans-Karakoram tract, also known as Saksham or the Saksham tract, यहाँ से pass करने की कोशिश करिए. Trans-Karakoram tract. जैसे join करना है. हाँ, अभी आप class के बाद इसी number पे कर सकते हैं. 9910133084 इस पे आप मेरे को WhatsApp या text कर सकते हैं. The test series are starting from 20th of September. तो वहाँ से शुरू हो रही है, वो आप ज्वाइन कर दें for 2021. Nunkun peaks that is there of the Himalayas over here. Nunkun peak. Kun is the second highest peak that is there between the Jaskar and the Kargil region. Jaskar और Kargil region के context में second highest peak है ये. Region of Ladakh after Nun that is there. Pinnacle Peak is over here. The third highest summit of the group. Pinnacle Peak की जब बात करते हैं, Indian Army has conducted a mountaineering expedition यहाँ पे Mount Kun के लिए. WhatsApp कर दो, कोई problem नहीं है उसके बाद. उत्तराखंड में कौन सी news में था? It is Sonepath Glacier that was in news in Uttarakhand region. Over here. सतोपत यहाँ पे और सोनपत. अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट करती है सतोपंत ग्लेशियर में. सतोपंत एंड भागीरथी कर्क ग्लेशियर कहाँ पे है? आपको एट द हेड ऑफ अलकनंदा वैली उत्तराखंड के हेड में आपको वहाँ पे देखने को मिलता है. डिफरेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स है,
जैसे कोल्ड डेजर्ट हो गया, नंदा देवी हो गया, कंचनजंगा, अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, आप यहाँ पे उनको याद कर सकती हो, सो दैट इफ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस रीजन तो आपको सीधा पूछेगा सोनापत या ग्लेशियर कहाँ पे है उत्तराखंड में, सीधा आपको क्वेश्चन बनता है। तमिलनाडु में कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो न्यूज़ में थी, दैट इज अन्नामलाई टाइगर रिजर्व मुडुमलाई, कलक्कड़ मुदंथराई टाइगर रिजर्व न्यूज़ में था, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में थी, मकूरथी नेशनल पार्क इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर नीलगिरी तहर, तो वो भी काफ़ी न्यूज़ में था। तो सेम आपको पूछा जा सकता है कि मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है ये टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क आपको कहाँ पे पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मकूरथी नेशनल पार्क हो गए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज अ स्टडी वॉज कंडक्टेड शोन दैट द कार्बन स्टोरेज वॉज हाइएस्ट इन स्पीशीज रिच एवरग्रीन फॉरेस्ट। मुडुमलाई नेशनल पार्क ट्राई जंक्शन पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी स्टेट, कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु, ये ट्राई जंक्शन पे है मुदंथराई। कलक्कड़ मुदंथराई टाइगर रिजर्व, यहाँ पे फॉरेस्ट कौन सा पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, डायरेक्टली ये ऐसा ही न्यूज़पेपर में आया था और वैसे ही आपको वो पूरे का पूरा पूछा भी जा सकता है। ड्राई थॉर्नी फॉरेस्ट से लेके ड्राई डेसिड्यूज तक यहाँ पे पाया जाता है। नेशन फर्स्ट टाइगर सेंचुरी ड्यूरिंग 1962 डिक्लेयर किया गया था, पॉपुलरली एज रिवर सेंचुरी भी इसको बोला जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, कन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के कंटेक्स्ट में, ये देखिए सत्यमंगलम यहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु में लोकेशंस कौन सी न्यूज में थी, कुरानगनी हिल्स एंड वेलनगिरी हिल्स आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में है, पेरूर लेक तमिलनाडु में है, इट स्टोर्स द वाटर फ्रॉम द रिवर नोयाल, नोयाल रिवर के कंटेक्स्ट में, पल्लीकरनी वेटलैंड है, इट इज़ अ फ्रेश वाटर वेट मार्श इन तमिलनाडु, आपको पूछा जा सकता है ये कहाँ पे है पल्लीकरनी वेटलैंड कहाँ पे है, लोकेटेड अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट एंड इज फेसिंग द इन्वेजन ऑफ वेरियस स्पीशीज लाइक अमेजन सेलफिन कैटफिश एक्सेट्रा। फाइव स्पीशीज ऑफ एग्जॉटिक फिशेज जो आपको पाई जाती है इंडिया में कौन सी है, रेड पिराना, गुप्पी, सकर माउथ फिश, कैटफिश एंड गोरमी, दीज आर द डिफरेंट फाइव एग्जॉटिव, पांच एग्जॉटिव स्पीशीज ऑफ फिश जो आप यहाँ पे पाए जाते हैं। कुरांगिनी हिल्स, वेलनगिरी हिल्स, और कौन सी लोकेशन में न्यूज़ थी, थोलपट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में था, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है, विलिंगटन आइलैंड इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड इन दैट इज देयर इन इंडिया इन केरला, वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। विलिंगटन आइलैंड कल भी आपको इसके बारे में बताया था, द लार्जेस्ट मैन मेड आर्टिफिशियल आइलैंड दैट वॉज क्रिएटेड इन 1936, सी पोर्ट है इन कोची एंड केरला, सराउंडेड बाई बैक वाटर्स एंड दैट इज बेसिकली कार्व्ड आउट ऑफ द वेम्बनाड लेक एंड कनेक्टेड थ्रू द मेन लैंड बाई बेंदुरुथी ब्रिज, बेंदुरुथी ब्रिज इसको कनेक्ट करता है मेन लैंड से। नौरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, क्यों न्यूज में थी, बिकॉज चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट वॉज अंडरटेकन ओवर हेयर, नौरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से टाइगर रिजर्व जो न्यूज में था, दैट इज बुक्सा टाइगर रिजर्व वॉज देयर, सुंदरबंस टाइगर रिजर्व वॉज देयर, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट और रामसर साइट है, अ डीप सी कैनियन जो स्वेच ऑफ नो ग्राउंड आप यहाँ पे पाया जाता है गंगा स्पैन के कंटेक्स में, जैसे आपको कल भी बताया था। कुछ और साइट्स जो काफ़ी न्यूज़ में थी इसी कंटेक्स्ट में, वेस्ट बंगाल जल्दापारा नेशनल पार्क, यहाँ पे लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन आपको पाई जाती है, गोरुमुरा नेशनल पार्क राइनो पॉपुलेशन के लिए है बेसिकली, जल्दका रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, दैट इज बेसिकली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फुट हिल्स पे लोकेटेड ऑफ हिमालयाज बिटवीन रिवर तीस्ता एंड महानंदा रिवर से आपको पाया जाता है,
नेवरा वैली नेशनल पार्क भी आपको वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी आपको पाया जाता है, इट इंक्लूड थ्री प्रोटेक्टेड एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा? सिमलीपल टाइगर रिजर्व, हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कुलदिहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑल दीज थ्री आर फाउंड इन रीजन ऑफ उड़ीसा, जो वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूड करे जाते हैं। नेवरा इज ओवर हियर, गोरुमारा, जल्दापारा, महानंदा, डिफरेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दैट आर फाउंड ओवर हियर। रविंद्रा सरोवर लेक अका, दकुरिया लेक, कहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक है वेस्ट बंगाल में, आपको सीधा पूछा जा सकता है दकुरिया लेक आपको कहाँ पाई जाती है, इट इज बेसिकली फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। सागर आइलैंड, गुरुमारा आइलैंड, मौसनी आइलैंड, नयाचार आइलैंड, दे आर बेसिकली फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ सुंदरबन पेनिनसुला। नयाचार आइलैंड, गोरुमारा आइलैंड, सागर आइलैंड, ऑल फाउंड बेसिकली इन द सुंदरबन डेल्टा। आपको क्वेश्चन क्या किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स आर फाउंड इन द सुंदरबन डेल्टा, सीधा डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन सकता है। उड़ीसा में कौन कौन सी लोकेशंस है जो काफ़ी न्यूज़ में आई थी, बार बार रेपिटेशन में भी आई थी, दे आर बेसिकली द फर्स्ट लोकेशन इज सिमलीपल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे रेड सिल्क कॉटन ट्रीज पाए जाते हैं और सेमुल भी जिसको बोला जाता है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व एज ऑल्सो बीन फाउंड, महानदी रिवर है पास थ्रू दिस टाइगर रिजर्व, दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ महानदी टाइगर रिजर्व, बेसिकली अ मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बायोजोग्राफिक रीजन सेट अप, टू बायोजोग्राफिक रीजन का एक मीटिंग पॉइंट भी है यहाँ पे, डेक्कन पेनिनसुला एंड द ईस्टर्न घाट। हदगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेसिकली फाउंड, लाइज इन द कैचमेंट ऑफ द सलानदी रिवर, दैट इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर बैतरनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड इज कुलदिहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज लिंक विद द सिमलीपल नेशनल पार्क वाया सुकोपदा एंड नेटो हिल रेंज। आपको सीधा ही पूछा जा सकता है कि सुकेपदा हिल रेंज कहाँ पे है, नेटो हिल रेंज कहाँ पे है, या ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व आपको कौन सी स्टेट में पाया जाता है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैन बी देयर। सतकोसिया, हदगढ़, कुलदिहा, सिमलीपल, ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली फाउंड इन द रीजन्स ऑफ उड़ीसा। महानदी रिवर्स के बारे में, द वर्ल्ड पॉपुलेशन टुक अ हिट ड्यू टू साइक्लोन फानी, आपको पूछा साइक्लोन फानी कहाँ पे आया है, महानदी रिवर कहाँ पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में फ्लो करती है, हाईलैंड होता है, ओरिजिनेट छत्तीसगढ़ से, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इसकी शिवनाथ, मंड एव हसदियो, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है पेरी, ओंग, टेलन एंड जोंक, दीज आर देयर। महानदी रिवर पे एक इम्पॉर्टेंट डैम है, दैट इज हीराकुड डैम, दैट इज द लॉन्गेस्ट मेजर अर्थन डैम इन इंडिया, दैट इज बेसिकली फाउंड इन द रीजन ऑफ महानदी। हसदियो इज देयर, मंड इज देयर, इब इज देयर, जोंक, ओंग, टेल, शियोनाथ रिवर, महानदी फ्लोस, और यहाँ पे आपको नीचे चिल्का लेक मिलता है। इंपॉर्टेंट लोकेशन जो उत्तराखंड में काफी न्यूज में थी, आपको पता होना चाहिए कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नंदा देवी इज देयर, जिम कॉर्बेट, राजा जी, वैली ऑफ फ्लड्स, गंगोत्री इज देयर, केदारनाथ इज देयर, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर, सोनान नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एस्कट मस्क डियर, दीज आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क जो आपको उत्तराखंड वाले रीजन में पता होना चाहिए। टाइगर रिजर्व विच वर इन न्यूज इन यूपी, पिलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा नेशनल पार्क बेसिकली द तराई मार्शी रीजन ऑफ द नॉर्थन उत्तर प्रदेश, किस किस को मिलकर बनता है दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कटारनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको मिलकर बनता है। यूपी में और क्या है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी आपको यूपी में ही देखने को मिलता है, तो ये आपको सीधा पूछा जा सकता है ये लोकेशंस कहाँ पे है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व इज देयर, दुधवा, पिलीभीत, कॉर्बेट, वाल्मीकि इज देयर,
कुछ रैंडम लोकेशन जो काफ़ी न्यूज़ में रही थी अलग अलग टाइम के ऊपर, दैट इज़ पपरवा आइलैंड इज़ देयर नियर अ कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट है कांडला पोर्ट को बोला जाता है बेसिकली, दैट इज़ फाउंड इन द गल्फ ऑफ कच्छ रीजन इन द रीजन ऑफ गुजरात। आपको पूछा जा सकता कि पपरवा आइलैंड कहाँ पे है, आपको सीधा पता होना चाहिए गुजरात वाले रीजन पे है। दसपला हिल्स कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अट्टापका वर्ल्ड सेंचुरी इज देयर इन कोलेरू लेक बेसिकली इन द रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। दीज आर द डिफरेंट लोकेशंस दैट आर बेसिकली बीइंग फाउंड इन द न्यूज़पेपर्स। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लोकेशंस अलग अलग टाइम पे न्यूज़ में आई थी। दिस इज द सेकेंड क्लास दैट वी आर टेकिंग अप फॉर द करंट ज्योग्राफी मैपिंग। कल एक और क्लास होगी ज्योग्राफी मैपिंग के कंटेक्स्ट में ही, जो इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी ये नेशनल है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे भी कराया जाएगा। नहीं आपको नीरज, ऐसा है कि ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो जो न्यूज़ में है कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, और आपको क्वेश्चन भी फैक्चुअली पूछा जाएगा। इसमें आज वाले में अभी समझाने वाला नहीं है, बिकॉज ये ज्योग्राफी मैपिंग है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, और आपको डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, या तो आपको आता है या आपको नहीं आता, एज सिंपल एज दैट। एनी स्टूडेंट वॉन्ट टू इंक्वायर एनीथिंग, तो नंबर दिया हुआ है 9910133084। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी इंक्वायरी रिगार्डिंग एनीथिंग। ठीक है, तो इसी को आप कोशिश करो कि डिफरेंट जो चीज़ें हैं अलग अलग इस ज्योग्राफी का लोकेशन है, बिकॉज ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आप समझा नहीं सकते कि ये चीज़ यहाँ पे, क्योंकि कोई नेशनल सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ पार्क है एक जगह पे, आपको वहीं पे इकट्ठा कंपाइल मिल गया, आपके लिए रिवाइज करना कंपेरेटिवली काफ़ी आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, और टुमारो आई विल बी टेकिंग अप अ क्लास। हाँ, PDF मिलेगा इसको, अपना मलुका IGS जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो टुमारो द क्लास वुड बी देयर, आई वुड बी टेकिंग अप द करंट अफेयर्स ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त 2019 का करंट अफेयर हम लेंगे और उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शनल्स 11 तारीख से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।